अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू आर वाचिंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वीडियो लेक्चर्स। मेरे बेटे, हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट के दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करा हुआ है और मैं ये एक्सरसाइज आपको केसेस में करके पढ़ा रहा हूँ। अब आपके जहन में आएगा, सर बुक में तो केसेस नहीं है, फिर आप केसेस में क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरा बेटा, ये मेरे फेमस केसेस होते हैं, ये मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। मैं हमेशा कुछ एक्सरसाइजेस को केसेस में पढ़ाने का आदि हूँ, स्पेशली वो एक्सरसाइजेस जो कि ना सिर्फ मुश्किल हों बल्कि इंपॉर्टेंट तरीन भी हों, जैसे कि एक्सरसाइज 13.1 और 13.2। उसके पीछे रीजन ये होती है कि आप में और दूसरा बच्चा जो आपके साथ कल को एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा, उसमें डिफरेंस होगा। वो बच्चा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर जाएगा, उसके पास कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड, जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पहले उसको क्या करोगे? एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद फौरन आपका माइंड कहेगा कि यार, सर हाशिम ने पढ़ाया था कि भाई अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये इस केस का है या ये इस केस का है। और जब आपके जहन में ये आ जाएगा कि आया ये इस केस का है या इस केस का है, यानी कि आपने कैटेगरीज डिफाइन कर दी। और जब आपने कैटेगरीज डिफाइन कर दी मेरा बच्चा, तो उस वक्त आपके जहन में पैटर्न आ जाएगा। तो ये फायदा होता है इसको केसेस में पढ़ाने का। क्लियर है भाई? आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की जानिब एक नया क्वेश्चन के साथ। क्या क्वेश्चन आ रहा है मेरा बच्चा? ये आ रहा है हमारे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 7, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। मगर क्वेश्चन बड़े मजे का है, तभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा। फाइंड साइन इनटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस का साइन इनवर्स 4/5। अब आप में और दूसरे बच्चे में फर्क है, आपका काम एनालाइज करना है क्वेश्चन को देख के। आप एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन करना बहुत बड़ी चीज है, क्वेश्चन करना मेन चीज है मेरा बच्चा। क्वेश्चन करोगे तो बोलोगे, सर ये केस 2 के अंदर कैसे आ रहा है, ये केस 1 में कैसे आ रहा है? तो मेरा बेटा, इसके अंदर दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, इसलिए केस 2 में आ रहा है। अब आपके जहन में आएगा कि सर केस 2 की तो पहचान होती थी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का होना, यहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, तभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंपल आपको एक ही साइड गिवन है, आपको इसी साइड को सॉल्व करना है, इसका आंसर निकाल के इस ब्रैकेट में पुट करना है और इस साइन के ऊपर सॉल्व करके उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्या कहा मैंने? आइए जरा भी चेक कर लेते हैं भाई। मेरा बेटा क्वेश्चन को एनालाइज किया, एनालाइज करने में मुझे साफ दिख रहा है कि यहां पे दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, उस टर्म को हम लेके चलेंगे। मैंने आपको वर्किंग रूल में क्या बात लिखवाई कि कभी भी दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाली जो साइड होगी, जो चीज होगी, उसको लेके चलोगे। तो भाई दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट मेरा वाई के बराबर आ जाएगा। क्या लिखूंगा मैं यहां पर? साइन इनवर्स 3/5 प्लस का साइन इनवर्स 4/5, और इसको सपोज कर लेंगे किसके बराबर? वाई के बराबर, और इसको कह देंगे क्या? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा है बाहर वाला साइन, मेरा बेटा इसको भी छोड़ दो, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स की पहले वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को लाके यहां पे डाल देंगे और इस साइन के ऊपर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बट अभी इस साइन को आप छोड़ दो, अभी सिर्फ आपका फोकस इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे होना चाहिए। और ये काम तो अभी तक हम करते हुए आए ना बेटा, ये काम तो अभी तक हम करते हुए आए कि भाई इस पूरी की पूरी टर्म जो इनवर्स वैल्यू को सॉल्व करते हुए आए। अगर क्वेश्चन को चेंज कर रहा है एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाह रहा है, तो आपको भी एग्जामिनर के साथ खेलना आना चाहिए। क्लियर है भाई? अब क्या काम करते थे भाई? सेकंड पॉइंट क्या होता था, याद है? एक दिन में भूल गए। क्या करते थे? फर्स्ट टर्म को अल्फा पे सपोज करूंगा, तो क्या बन जाएगा? लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा, इनवर्स का साइन रिमूव कर दूंगा, तो मेरे पास बेसिकली साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5। इनवर्स को वहां भेज दिया तो क्या बन जाएगा? 3/5 इज इक्वल टू अल्फा साइन अल्फा, और मैंने इसको तरीके से लिख दिया तो क्या बन गया? साइन अल्फा इज 3/5। अब जो दूसरी टर्म आती है उसको बीटा पे सपोज करते हैं बेटा, तो क्या बन जाएगा? लेट साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू बीटा, इनवर्स को अगेन दूसरी तरफ सेंड कर दोगे तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? 4/5 इक्वल टू साइन बीटा। क्लियर है ये चीज? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी ये चीज भी। क्लियर है भाई? इसको एक और तरीके से लिखने का तरीका क्या होगा कि साइन बीटा इज इक्वल टू 4/5, ऐसे ज्यादा प्यारा लगेगा यार। क्लियर है भाई? अब क्या काम करते थे? थर्ड पॉइंट क्या होता है? इक्वेशन नंबर 1 में चेंजेस लेकर आ जाएंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को रिफॉर्म कर देंगे।
तो भाई साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा सपोज किया तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, अल्फा, प्लस का साइन, साइन इनवर्स 4/5 को क्या सपोज करा, बीटा, तो बीटा आ जाएगा यहाँ पे, और वाई का वाई एज इट इज। अगला पॉइंट क्या कहता है, नाउ अप्लाइंग दी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, बड़ी आसान सी चीज है बेटा, क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के भाई, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करोगे, कौन सा अप्लाई करूंगा मैटर करता है भाई, किस चीज का क्वेश्चन आ रहा है, साइन का आ रहा है ना, खाली साइन आ रहा है तो साइन को अप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के बाद साइन वाई। मेरा बेटा भाई यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से साइन वाई को इस साइड पे लिख दूंगा और साइन अल्फा प्लस बीटा के ऊपर उनका डबल एंगल या सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन कॉस अल्फा साइन बीटा। अब जरा गौर से देखो, जो लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन आ गया कि आपके पास भाई साइन अल्फा की वैल्यू तो है, साइन बीटा की वैल्यू भी है, मगर कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और पहले साइन बीटा और साइन अल्फा की वैल्यूज तो हैं, उनके जरिए कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, उसके बाद यहां पर आकर वैल्यूज को पुट करके साइन वाई के जरिए वाई की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा, आइए जरा चलते हैं। अच्छा तो बेटा क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज तो पता है जो कि हमने सपोज करके निकाली हुई है, मगर चूंकि इक्वेशन 1 के अंदर अगर हमें एक वाई की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो हम जो कॉस बीटा और कॉस अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उनके लिए क्या काम करेंगे, बिल्कुल आसान सा काम कि भाई मुझे पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और अगर मैं एंगल चेंज कर दूं यहां पे थीटा की जगह पे ले लूं क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो भाई अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/5, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, हमारे पास 3/5 और ये बाहर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का साइन कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज इक्वल टू के बाद 1। भाई मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी टर्म को दूसरे सेंड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इधर ही रहा और 1 माइनस का ये 3/5 का होल स्क्वायर जब वहां पे जाएगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बच्चा 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बच्चा 25, तो क्या बन जाएगा वहां पे जाके, वहां पे बन जाएगा 9/25 और ये कॉस स्क्वायर अल्फा का अल्फा एज इट इज। अब क्या है 1 माइनस का 9/25, तो भाई यहाँ पे सिंपल तरीके से एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 25 - 9 = 16 हो रहा होगा, क्या आ जाएगा 16/25। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, हमें तो चाहिए कॉस अल्फा की वैल्यू, तो क्या करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। इस तरीके से हम लोग कॉस अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है भाई, क्या काम करा, सिंपल तरीके से पाइथागोरस फॉर्मूले को यूज करते हुए साइन अल्फा की वैल्यू को पुट करिए और वहां से कॉस अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आई होप तमाम स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमने कॉस अल्फा की तो वैल्यू निकाल ली मगर कॉस बीटा की वैल्यू अभी भी चाहिए, क्या काम करेंगे, एक बार अब इस पाइथागोरस फॉर्मूले को साइन स्क्वायर बीटा के लिए ओपन कर देंगे तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। बहुत ही आसान सा काम, बच्चों वाला काम मेरा बेटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू होता है क्या 1। क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला भाई, साइन स्क्वायर बीटा, भाई साइन बीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 4/5, क्या आ रही है भाई 4/5, तो यहां पे आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 एज इट इज। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू, इस पूरी टर्म को वहां सेंड कर देता हूं, क्या बन जाएगा 1/4/5 का होल स्क्वायर आ रहा है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है मेरा बच्चा, आई होप सबको क्लियर होगा, कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस का 16/25। एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9/25 और हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई, कॉस बीटा की, स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी
थ्री डिवाइडेड बाय फाइव। क्या आ जाएगी बेटा कॉस बीटा की वैल्यू? 3 डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से हम लोगों ने ना सिर्फ कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली बल्कि कॉस बीटा की वैल्यू भी निकाल ली, और साइन अल्फा और साइन बीटा तो पहले से ही थे हमारे पास। अब क्या काम करेंगे? सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे और साइन वाई के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। अच्छा तो बेटा अब ये क्या काम करा? सिंपल तरीके से हम लोगों ने अपने इक्वेशन नंबर 1 के ए के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया। क्या इक्वेशन ए थी? साइन वाई इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा के अंदर हमने साइन अल्फा की वैल्यू को पुट की, डेट वॉज 3 डिवाइड बाय 5। कॉस बीटा की वैल्यू भी 3 डिवाइड बाय 5 आई थी, उसको पुट कर दिया। हमारे पास फिर कॉस अल्फा की वैल्यू थी जो कि क्या आई? 4 डिवाइड बाय 5। और साइन बीटा की वैल्यू भी क्या थी? 4 डिवाइड बाय 5। इन तमाम की तमाम वैल्यूज को हम लोगों ने क्या करा? इसने पुट कर दिया। आइए देखते हैं ये आगे चल के क्या बन जाएगा। भाई यहाँ पे क्या रहा? साइन वाई का साइन वाई। मेरा बच्चा 3 3s क्या होता है? 9 होता है, और 5 5s क्या होता है बेटा? 25 होता है, प्लस का साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 4 4s 16, और नीचे भी क्या हो जाएगा? 5 5s 25। तो क्या बन जाएगा ये? साइन वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 16, और नीचे क्या आ रहा है? दोनों में 25, दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम एक ही बार लिखा जाएगा नीचे, और 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा? वो भी 25 हो जाएगा। आप बेशक कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, आपका भैया आंसर आ रहा होगा। तो भाई क्या हो जाएगा? साइन वाई इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 25, यानी कि सिंपल तरीके से क्या आ गया? 1। अब पॉजिटिव के साइन को जब दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो y के साथ जो साइन मौजूद है जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी? साइन इनवर्स पॉजिटिव 1 है ना, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स पॉजिटिव 1, यहाँ पे पॉजिटिव 1 ही था। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से ये होती है 90 डिग्री। y की वैल्यू साइन इनवर्स 1 में क्या होती है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से क्या होती है? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है भाई? 90 डिग्री। तो y की वैल्यू मेरे पास फाइनली क्या आ गई? 90 डिग्री। इस y की वैल्यू को मैं उठा के कहां पुट कर दूंगा बेटा? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्यों इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा? कि भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट था मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करा था, और ये ब्रैकेट को हमने किसके बराबर लिया था? y के बराबर। तो बेसिकली ओरिजिनली ये y किससे बिलोंग करता है? साइन y पे। यानी कि मैं क्या करूंगा? इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ये रही। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी मेरी? ये बन जाएगी साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का साइन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 5। y की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा? सिंपल तरीके से 90 डिग्री आ जाएगा। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, अब सारा इंपॉर्टेंट काम आखिर का यहां पे आ रहा है। हमने क्या करा? y की वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। दर हकीकत मगर ये y की वैल्यू आई कहां से थी? हमने इस ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट था, इस चीज को हम लोगों ने y के बराबर सपोज करा था। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। तो भाई ये पूरे के पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हमने क्या ली? y। तो बेसिकली y किसकी जगह पे आ जाएगा? इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पे साइन वाई बन रहा है, और वाई की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा, और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये क्या काम करा सर? क्या आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरा बेटा? बिल्कुल कर सकता हूं। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को वाई की वैल्यू निकालने तक का काम तो समझ में आया होगा। वो काम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा था। उसके आगे क्या काम करा? इस वाई की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। मेरा बच्चा ये इक्वेशन नंबर 1 में जब वाई की वैल्यू मैंने पुट करा, भाई ये इक्वेशन नंबर 1 क्या चीज है? ये इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली यहां से ड्राइव हुई थी। हमने इस ब्रैकेट को सपोज करा था y के बराबर। तो अगर मैं इस ब्रैकेट की जगह के ऊपर, या मैंने इस ब्रैकेट के अंदर आने वाली चीज को y कहा हुआ है, तो मैं इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे क्या लिख सकता हूं? y लिख सकता हूं। और y की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो sin 90 बन गया, और sin 90 का आंसर क्या होगा? 1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अच्छा तो बेटा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की जाने, बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? आपकी बुक का होगा क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन। क्या कहता है? फाइंड साइन आर्क कॉस थीटा प्लस का आर्क साइन थीटा। बड़ी मजे का क्वेश्चन भाई, और इसको सॉल्व करना है। अगेन अब परेशान होने की आगे जरूरत नहीं होगी भाई, अभी डिटेल में समझा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व होगा? सिंपल तरीके से केस नंबर 2 के ऊपर आ रहा है। पहला काम क्या करेंगे भाई? पहला काम क्या करना है आप लोगों ने? सिंपल तरीके से जो भी आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का पार्ट आ रहा है उसको वाई के ऊपर सपोज कर लेना है। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है? आर कॉस थीटा। ये बात पहले ही बता चुका हूं, आर्क कॉस थीटा का मतलब कॉस इनवर्स थीटा ही होता है, आर्क साइन थीटा का मतलब साइन इनवर्स थीटा ही होता है। क्लियर है ना ये बात? तो तमाम बच्चों को आई होप क्लियर होगी।
तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे भाई, आर कॉस थीटा प्लस के आर साइन थीटा को मैं ले लूंगा किसके बराबर, सिंपल तरीके से वाई के बराबर, उसको इक्वेशन नंबर वन कह दूंगा। अगर आपको इसको लिखने में डिफिकल्टी हो रही हो तो इसको ऐसे भी लिख लो, ज्यादा बेहतर है। कॉस इनवर्स थीटा प्लस का साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू वाई, और इसको इक्वेशन नंबर वन कह दो, ज्यादा इजी वे है कि आर आर को लेके चलो। उससे ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है कि आप आर को कन्वर्ट करवा दो आर साइन थीटा को इसके अंदर, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, तो आप लिख दो साइन इनवर्स थीटा। क्लियर है बेटा, आई होप क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से जो फर्स्ट टर्म होगी उसको सपोज कर लेंगे अल्फा के ऊपर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ रही है हमारी, कॉस इनवर्स थीटा, तो क्या लिखूंगा, लेट कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इनवर्स के साइन को रिमूव करूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा। इस तरीके से मेरे पास पहली वैल्यू आ गई। फिर क्या काम करेंगे, लेट दूसरी वाली जो टर्म होती है उसको बीटा पे सपोज करते हैं। यहाँ पे दूसरी टर्म क्या है, साइन इनवर्स थीटा, उसको ले लेंगे बीटा के ऊपर। तो थीटा की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बच्चा, साइन बीटा, या फिर साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा। इस तरीके से हमने वैल्यूज को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली क्या काम करेंगे, क्वेश्चन को सपोज कर दिया वाई के ऊपर, फर्स्ट टर्म को अल्फा भी ले लिया, सेकंड टर्म को बीटा भी ले लिया। अब क्या काम करेंगे भाई, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर वन को रिफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे इक्वेशन नंबर वन को रिफॉर्म, बहुत ही आसान तरीका बेटा, बहुत ही आसान तरीका। कॉस इनवर्स थीटा को हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, अल्फा, तो कॉस इनवर्स थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा। प्लस का साइन, भाई साइन इनवर्स थीटा को क्या सपोज कर लिया, बीटा, तो साइन इनवर्स थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा। इक्वल टू के बाद वाई का वाई एज इट इज। अब कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करें, ये जहन में आता है, सर अब क्या अप्लाई करें, अब तो फंस गए। मेरा बेटा बनाना किसके बराबर है, साइन के, बाहर क्योंकि साइन मौजूद है तो किसके बराबर लेकर जाओगे, साइन के बराबर लेकर जाओगे। क्या किसके, किसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, किसको अप्लाई करवाऊं, साइन को। इस बात को यहां पे लिख दूंगा, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा, इधर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, साइन वाई। इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन वाई इज इक्वल टू, भाई साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, साइन का सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा। और इसको हम क्या कह देंगे भाई, इक्वेशन नंबर ए। क्यों इक्वेशन ए का नाम देंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास कॉस अल्फा और साइन बीटा की अब की बार वैल्यूज हैं, किसकी है, कॉस अल्फा और साइन बीटा की। भाई कॉस अल्फा की वैल्यू मौजूद है हमारे पास खाली, और साइन बीटा की मौजूद है, हमें साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यूज को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अब तो तीन से चार मैंने क्वेश्चन करवा दिए कि भाई सिंपल तरीके से पाइथागोरस फॉर्मूले के ऊपर फाइंड करेंगे। कैसे, बहुत ही आसान तरीका है मेरा बेटा, क्या करेंगे, इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, एज वी नो डेट हम सबको ये बात पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के। तो अगर मैं थीटा की जगह पे क्या ले लूं, अल्फा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। अब जरा गौर से देखिएगा भाई, क्या गौर से देखें सर, हमने इस केस में क्या निकालना है, अब साइन अल्फा यहां से, तो साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है हमें, थीटा, तो बाहर वाला स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। हमें साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए तो भाई थीटा स्क्वायर को वहां सेंड कर दूंगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस का थीटा स्क्वायर। मुझे अगर यहां से स्क्वायर को रिमूव करना है तो बेटा साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट का वन माइनस का थीटा स्क्वायर। इस तरीके से साइन अल्फा की क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक की बात, आई होप क्लियर होगी। क्या काम करा, सिंपल तरीके से हमने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा में कॉस अल्फा की वैल्यू को पुट करा, और सिंपल तरीके से यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्या काम करेंगे, अब निकालेंगे भाई कॉस बीटा को भी फाइंड करना है, तो कॉस की रिस्पेक्ट से या बीटा की रिस्पेक्ट से पाइथागोरस थ्योरम को ओपन करेंगे, वहां से कॉस बीटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, और फिर फाइनली इक्वेशन ए में पुट करके साइन वाई की वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे। अच्छा तो बेटा क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से हमारे पास पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला बीटा के रिस्पेक्ट से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर का बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू के बाद वन। अब जरा गौर से देखिए बेटा, क्या गौर से देखें, साइन बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है आपको, थीटा,
साइन बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, थीटा, तो साइन बीटा में आ जाएगा थीटा स्क्वायर का स्क्वायर बाहर एज इट इज प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन। मुझे क्या चाहिए भाई, कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, तो क्या करूंगा थीटा स्क्वायर को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा वन माइनस का थीटा स्क्वायर। अगर मुझे बेटा कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा, सिंपल तरीके से अंडर रूट ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस का थीटा स्क्वायर का रूट। क्लियर है भाई, इस तरीके से हम लोगों ने कॉस बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, तमाम की तमाम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। इक्वेशन ए में आइए चलते तमाम वैल्यूज को, सॉरी इक्वेशन ए में पुट करते हैं। क्या बन जाएगी इक्वेशन ए, साइन वाई इक्वल टू, यहां पर क्या आ रहा है मेरा बेटा साइन अल्फा, साइन वाई इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा है ना। साइन अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करी, ये फाइंड करी अंडर रूट के अंदर वन माइनस का थीटा स्क्वायर। साइन वाई की वैल्यू हम लोगों ने, साइन अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करी, अंडर रूट में वन माइनस का थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में वन माइनस का थीटा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करी बच्चा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट के अंदर वन माइनस का थीटा स्क्वायर आई इसकी वैल्यू भी। बीच में साइन प्लस के प्लस का, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आई थीटा, और साइन बीटा की वैल्यू भी इत्तफाक से थीटा ही है, तो कॉस बीटा की वैल्यू भी थीटा है और साइन साइन कौन सा था, साइन बीटा था शायद, हाँ कॉस अल्फा की वैल्यू भी थीटा है और साइन बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई थीटा, उनको भी पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेता हूँ मेरा बच्चा, यहाँ पे साइन वाई का साइन वाई एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होने और ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म कौन सी है, रूट वाली टर्म है। क्या ये बात आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है, कभी भी रूट के अंदर अगर सेम वैल्यूज आ रही और वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो क्या होता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है और वो तमाम वैल्यूज एक ही बार अंदर वाली लिखी जाती है। अगर रूट के अंदर वाली बेस सेम हो और वो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस एक ही बार लिखी जाती है और टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई जब होती हैं। क्लियर है भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा इंटू थीटा क्या बन गया, थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो साइन वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो वाई की अगर वैल्यू चाहिए तो बेटा साइन को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स वन। तो इस तरीके से मेरे पास वाई की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। क्या वैल्यू आ जाएगी, 90 डिग्री। इस वाई की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन नंबर वन में प्लॉट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर वन क्या आ रही है, ये आ रही है कॉस इनवर्स थीटा प्लस का साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू के बाद वाई था, तो वाई की जगह पे क्या आ गया, 90 डिग्री। क्या आ रही थी भाई इक्वेशन नंबर वन, ये आ रही कॉस इनवर्स थीटा साइन इनवर्स थीटा। मगर जरा गौर से देखिए, अब खास बात क्या है कि बेटा ये इक्वेशन नंबर वन बेसिकली हमने बनाई कैसे थी, ये इक्वेशन नंबर वन दर हकीकत हमारे पास यहाँ से इस ब्रैकेट से आ रही थी, तो यानी कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने इस ब्रैकेट को अलग से सपोज करके वाई के बराबर लिया था। अगर मैं कंपेयरिंग करवा दूं तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे क्या लिख सकता हूं, वाई को, और वाई की वैल्यू क्या आई थी, 90 डिग्री। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा ये, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन। अगेन इस आंसर क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा, वन। कैसे सॉल्व करा भाई, सिंपल तरीके से पूरे का पूरा ब्रैकेट क्या था, वाई। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे वाई लिख दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन वाई, और वाई की वैल्यू क्या निकाली, 90 डिग्री। तो क्या बन गया, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का आंसर क्या आ रहा होगा, वन। यानी कि भाई हमने इस ब्रैकेट को क्या सपोज करा था, वाई सपोज करा था। ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, तो साइन y बन गया, और y की वैल्यू क्या निकाली, 90 डिग्री। तो साइन 90 का आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया मेरा बेटा। आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आइए अब जरा एक और क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, उसको बैठ के भी समझते हैं भाई क्या कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ऐसा खास। अब देखिए मेरा बेटा, हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर, आपकी बुक का पार्ट नंबर कौन सा होगा बच्चा, 5 होगा। कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आज के लेक्चर जैसा क्वेश्चन है। मेरा दिल तो चाहता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से करने के लिए दूं और आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को बैठ के एज अ होमवर्क करो, मगर फिर भी इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, साइन आर्क कॉस रूट 3/2 प्लस का आर्क साइन हाफ। सिंपल तरीके से अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला काम क्वेश्चन को देख के जो जहन में आता है वो ये है कि भाई एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं तो इसका मतलब केस नंबर 2 आ गया। साफ पता चल रहा है केस नंबर 2 है, तो क्या करेंगे भाई, अप्लाई करने पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे आर्क आर्क करके लिखा हुआ, जिंदगी को थोड़ा आसान बना देते हैं। क्या बन जाएगा भाई, साइन का साइन आर्क कॉस रूट 3/2 का एक और मतलब क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट 3/2।
प्लस का आर्क साइन हाफ का मतलब क्या है, साइन इनवर्स हाफ एज इट इज। क्लियर है भाई? इसको मैंने जरा क्वेश्चन को तरीके से एक बार उतार दिया। अब जरा अगर मैं गौर से देखता हूं तो मेरा बच्चा दो इनवर्स वाली जो चीजें आ रही होंगी उनको क्या करेंगे, उनको सिंपल तरीके से सपोज कर लेंगे y के बराबर। तो भाई यहाँ पे जो आ रहा है cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस का साइन इनवर्स हाफ का हाफ, इसको ले लूंगा मैं y के बराबर और इस चीज को कह दूंगा क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड पॉइंट मुझसे क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 1 जब सपोज कर लिया आपने तो उसकी जो फर्स्ट टर्म आ रही है उसको आपने ले लेना अल्फा के बराबर, उसका साइन ऑफ इनवर्स रिमूव करना है। तो आइए ये काम कर देते हैं। तो क्या आ रही है फर्स्ट टर्म कॉस इनवर्स वाली, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू अल्फा। साइन ऑफ इनवर्स रिमूव करूंगा तो कॉस अल्फा की वैल्यू बन जाएगी √3/2। क्लियर है मेरा बेटा? आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी ये बात अब तक। और फिर जो सेकंड टर्म आ रही होती है उसको क्या लेते हैं, बीटा के बराबर ले लेते हैं। ये काम भी कर लेंगे भाई, इस काम को इस मार्के को करने में कोई मसला थोड़ी है। तो सेकंड टर्म क्या आ रही है, लेट साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू बीटा। तो क्या बन जाएगा भाई, अगेन इसका भी साइन ऑफ इनवर्स रिमूव करूंगा तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से हाफ आ जाएगी। क्लियर है यहां तक की बात? इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को रिफॉर्म कर दूंगा। इन अदर वर्ड्स रिफॉर्म करने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या है, बीटा। तो इक्वेशन अल्फा दर हकीकत मेरी क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस का बीटा। अब क्या चीज अप्लाई करें सर, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दो तरफ अप्लाई करें, बाहर क्या आ रहा है साइन, तो साइन का अप्लाई कर दो बेटा, क्या बन जाएगा, साइन y इक्वल टू साइन अल्फा प्लस का बीटा। क्लियर है भाई? क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, क्या होता है सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। क्या होगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से साइन वाई का साइन वाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसको हम कह देंगे क्या, इक्वेशन नंबर ए। क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर ए। भाई जो मंजन कहानी अब तक करते हुए वो मंजन कहानी इसके लिए भी करेंगे, जाहिर सी बात है। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सी टेक्निक, कोई मसले की चीज नहीं है। क्या बन जाएगा भाई, अब मेरे पास देखो साइन बीटा और कॉस अल्फा की वैल्यूज गिवन है, अगर इक्वेशन ए को सॉल्व करना है तो साइन अल्फा और कॉस बीटा को फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, इनकी वैल्यूज को फाइंड करके, बहुत ही आसान तरीका कि सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। इस बात को यहां पर लिखेंगे, नाउ एज वी नो डेट, या एज वी नो डेट क्या भाई, पहले फाइंड कर रहे हैं अल्फा वाला एंगल, फंक्शन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के। भाई देखो साइन स्क्वायर अल्फा तो एज इट इज रहा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, √3/2 बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। ये जो बाहर वाला स्क्वायर है मेरा बेटा, इसके रूट को कैंसिल आउट कर देगा और ये जब स्क्वायर नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन 3/2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू के बाद 1। इस पूरी की पूरी टर्म को अगर मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूं तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 3/4। सिंपल तरीके से यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 4 - 3, 1/4। और हमें तो क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए साइन अल्फा, तो अंडर रूट भी लेंगे, अंडर रूट लेने के ऊपर साइन अल्फा की फाइनल वैल्यू आ जाएगी हाफ। कैसे आ जाएगी भाई, सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे, कार्डन पीटी करोगे, आ रही होगी। क्या काम करा, जहां पे स्क्वायर आ था स्क्वायर को ओपन करा, दूसरी तरफ सेंड करा साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए, वहां पे जाके एलसीएम लिया, एलसीएम लेके बेसिक तरीके से अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने के ऊपर साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यही काम करेंगे भाई किसके लिए, साइन बीटा की वैल्यू गिवन है तो कॉस बीटा के लिए, साइन बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, हाफ। तो आइए जरा इसके लिए भी काम कर लेते हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरा बेटा, एज वी नो डेट क्या बन जाएगा भाई, साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। हमें साइन बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, हाफ उसका स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। इस वैल्यू को वहां सेंड कर दूंगा, यह क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 - 1/4, क्योंकि अब 1/2 का जब स्क्वायर मैं लूंगा तो 1/4 क्या बन जाएगा, 4। और वहां जाके सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर
कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या दे रहा होगा, 3/4। मगर मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए भाई, कॉस बीटा की, तो अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के ऊपर कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। क्लियर है यहां तक की बात बेटा? आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब क्या करेंगे, इन तमाम की तमाम वैल्यूज को जो फाइंड करा इनको उठा के इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो भाई साइन वाई का साइन वाई एज इट इज, साइन वाई का साइन वाई इक्वेशन ए का एज इट इज। आगे क्या कहता है, साइन अल्फा कॉस बीटा। मेरा बच्चा साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, हाफ, और कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, ये रही। साइन अल्फा में क्या आ जाएगा, हाफ का हाफ। कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 प्लस का साइन। आगे क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू है 3/2, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, हाफ। तो कॉस अल्फा में आ जाएगा 3/2, और साइन बीटा में आ जाएगा हाफ का हाफ। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बन जाएगा 3/4 प्लस का 3/4, और यहाँ पे साइन वाई का साइन वाई। एलसीएम ए की जैसा है, तो क्या ऊपर बन जाएगा 2/3/4, कैंसिल आउट होने के ऊपर आंसर क्या होगा, 3/2। तो बेसिकली साइन वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, 3/2, बट हमें तो वाई की वैल्यू चाहिए। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन को वहां सेंड कर दूंगा, क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/2। मेरा बच्चा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/2 की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ रही होगी। चेक कर लीजिएगा आप लोग, बहरहाल क्या आई होगी भाई, 60 डिग्री। 60 डिग्री का एक और तरीके से कैसे ले सकते हैं इसको, π/3। वाई की वैल्यू 60 डिग्री आ रही होगी, यानी कि π/3 आ रही होगी। इसको उठा के कहाँ पुट करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर वन के अंदर। इक्वेशन नंबर वन क्या आती, ये रही। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर वन, कॉस अंडर रूट 3/2 प्लस का साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू के बाद जो वाई था वहां पे क्या आ जाएगा, π/3 लिख दो या 60 डिग्री लिख दो, बात एक ही है। अच्छा तरीका आपके पास रेडियन एंगल को लिखने का होता है। अब फाइनल काम क्या करेंगे भाई, ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही थी ये किसकी जगह पर आई, ये पूरे के पूरे इस ब्रैकेट की जगह पर आई। तो हमने इस ब्रैकेट वाली जगह को क्या सपोज करा हुआ था, वाई। तो इस वाई की वैल्यू बेसिकली साइन के साथ आ रही होगी, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, साइन π/3 की वैल्यू यानी कि फाइंड करनी है। और साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3/2। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। जो काम अभी तक हम करते हुए आए लास्ट में भी वही काम कर रहा है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ बेटा। लास्ट का काम क्या करा, सिंपल तरीके से वाई की वैल्यू को फाइंड करा, उसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करा। चूंकि इक्वेशन नंबर वन मेरे ओरिजिनल साइन के फंक्शन का फंक्शन थी, तो हमने उस फंक्शन को वहां पे पुट कर दिया। तो क्या बन जाएगा भाई, साइन का फंक्शन क्या बन गया, π/3, और π/3 क्या होता है, 60 डिग्री। अच्छा, बहुत से बच्चे अपने कैलकुलेटर के अंदर जब साइन π/3 को रखेंगे तो उनका ये आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैलकुलेटर लोकल है या खराब है, जी नहीं, इसका मतलब ये कि आपका थोड़ा सा दिमाग का मसला है। उसकी रीजन ये है कि हम लोगों को आज तक ये बात नहीं पता कि डिग्री वाले एंगल्स के लिए कैलकुलेटर का फंक्शन अलग होता है, रेडियन एंगल के लिए फंक्शन अलग होता है। तो अगर आप उठा के साइन π/3 की वैल्यू निकाल लोगे तो अल्लाह के वास्ते आपका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा, क्योंकि आपका कैलकुलेटर के फंक्शन का सेट उस वक्त डिग्री में हुआ होगा। अगर आप उसको जाके कन्वर्ट कर दोगे रेडियन के अंदर और फिर साइन π/3 की वैल्यू निकालोगे तो यही आंसर आएगा। और अगर आप साइन 60 डिग्री का उठा के डिग्री के फॉर्म में एंगल निकाल रहे हो तो उसका आंसर भी गलत आ रहा होगा, या साइन 60 डिग्री का आंसर अगर आप रेडियन के फॉर्म में निकाल रहे हो तो उसका आंसर भी गलत आ रहा होगा। तो काइंडली कैलकुलेटर का मॉड जरूर चेक कर लिया करें कि आपका कैलकुलेटर किसके ऊपर सेट हुआ हुआ है। मैं अक्सर अपनी आवाम को देखता हूं कि अक्सर आवाम को इंटर में आने के बाद भी कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता, जो कि एज अ स्टूडेंट है उनके लिए शर्म का मुकाम तो नहीं होता, बट एज अ टीचर मैं शर्मिंदगी से नीचे गड़ जाता हूँ कि पता नहीं कैसा बच्चा है, मैथ्स पढ़ रहा है और उसको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता। तो काइंडली इस चीज़ को लाजमी देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी इस एक्सरसाइज के इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर को कम्प्लीट करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, वो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा एक्सरसाइज 13.1 के ऊपर, उसके ऊपर इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का पूरा लेक्चर आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। जज़ाकअल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।